सुशांत सिंह राजपूत को भी ले सकते हैं कि पिल्लो ने मार दिया। बॉलीवुड बॉयकट होगी, लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे। गदर 2 जब जी स्टूडियो ने फिल्म का टाइटल टीजर रिलीज किया था तब लोगों को शायद पता भी नहीं चला था, लेकिन अब आप लोगों को बता दें कि फिल्म के रिलीज टाइम के आते आते इस फिल्म को लेकर लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि इस फिल्म को लेकर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। जहाँ पर एक तरफ ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड बॉयकॉट, वहीं पर दूसरी तरफ ट्रेंड चल रहा है गदर 2 नॉट बॉयकॉट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लोग आज तक नहीं भूल पाए और इसका बदला ले रहे बॉलीवुड की हर बड़ी फिल्म को बॉयकॉट करके। अब इनमें से कौन कौन सी मूवी को बॉयकॉट का सामना करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ पर एक तरफ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट का सामना करना पड़ा, वहीं अब दूसरी तरफ पब्लिक इंतजार कर रही है सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का, और वही दूसरी तरफ इंतजार हो रहा है पठान फिल्म यानी कि शाहरुख खान की मूवी। इनमें से पब्लिक हर मूवी को बॉयकॉट करना चाहती है और जो एक्टर भी इस बॉयकॉट के चक्कर में पड़ेगा उसकी मूवी भी बॉयकॉट होगी। जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में आलिया भट्ट का स्टेटमेंट देखा होगा जो बोल रही थी कि आप हमारी मूवी देखने जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते, पब्लिक के पैसे और पब्लिक के पैसों से ये कड़ी, ये चीज अब नहीं चलने वाली। आप लोगों को बता दे कि आलिया भट्ट के इस स्टेटमेंट के बाद पब्लिक अब इंतजार कर रही है ब्रह्मास्त्र मूवी का, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी नजर आने वाले हैं। तो वही अभी 30 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म विक्रम वेदा, जिस फिल्म में आप लोगों को कोई भी ऐसा एक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फिल्म को बॉयकॉट किया जाए, लेकिन आप लोगों को बता दे कि करीना कपूर की वजह से सैफ अली खान की मूवी बॉयकॉट की जाएगी। ये बॉयकॉट का चक्कर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो जो एक्टर इस बॉयकॉट के चक्कर में पड़ेंगे उनकी हर मूवी को बॉयकॉट किया जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।